द स्पोर्ट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रांची के नगरा टोली स्थित सरना भवन में झारखंड आंदोलनकारियों की एक बैठक हुई, जहां 10 अक्टूबर को जो है आंदोलन की जो नीति तय की गई थी उसको लेकर के चर्चा हुई। मौके पर आंदोलनकारियों ने कहा कि हेमंत सरकार जो है झारखंड के आंदोलनकारियों को विधवा पेंशन के नाम पर 3,500 रुपया दे रही है, जो हम लोगों के साथ भारी अन्याय है। एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि आपने जो राज्य बनाया है उस राज्य की स्थिति क्या है, और इस राज्य में अभी जो काम होने चाहिए, राज्य बनाने का जो मुख्य मुद्दा था, वो अभी तक इस राज्य में शुरू नहीं हुआ। तो पहली बात कि भाई राज्य को बनाने के लिए जो चीज़ें जरूरी थी, जो बुनियादी समस्याओं का हल जरूरी था, उसकी दिशा में हमें कदम उठाना है। आंदोलनकारियों के जो हक की बात है, उनके पेंशन की बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी, आंदोलनकारियों के सम्मान की बात है, उनकी भागीदारी की बात है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ पेंशन की बात हम नहीं करते, हम चाहते हैं कि इस राज्य के नीति निर्धारण में आंदोलनकारियों की भूमिका निर्धारित हो। जी बताइए सर कि वर्तमान में झारखंड में कितने झारखंड आंदोलनकारी हैं और कितनों को मान सम्मान मिला है? देखिए, हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी तो 10,000 हमारे साथ में आंदोलनकारी साथी थे, नौजवान थे, छात्र थे, लेकिन दुर्भाग्य से इतने लंबे समय तक अभी तक लोगों को, उन आंदोलनकारियों को चिन्हित नहीं किया जा सका। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक बात है, एक कुली को भी महीना में 20,000 21,000 मिलता है, वो मेहनत करके कमाता है, लेकिन जिन लोगों ने राज बनाया है उनको आप एक सम्मानजनक ये तो देंगे, मानदेय देंगे ना, ये 3,000 साढ़े 3,000 का कोई हिसाब किताब नहीं है। कैसा मान सम्मान चाहते हैं? देखिए, मान सम्मान हमने कहा ना, एक तो उनका जो मानदेय है, उनका जो पेंशन है, उसमें वृद्धि हो। कम से कम एक आंदोलनकारी अगर वो घर भी चलाए अपना, तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपया तो उनको घर चलाने में लगते हैं, तो उनका सम्मानजनक मानदेय पेंशन निर्धारित हो। ये 3,000 साढ़े 3,000 पेंशन से नहीं चलता है, इसको हम बोलते हैं ये अपमानित करने वाला पेंशन। ये तो स्पष्ट है कि नहीं मिला, और इसीलिए मैं कहता हूँ पेंशन की ही बात नहीं, अभी देखिए बोर्ड और निगम, हमारा तो कहना है कि सबसे पहला दावा बनता है राज्य के बोर्ड निगम और जो भी पद हैं उसमें आंदोलनकारियों को शामिल करने का दावा पहला बनता है। हम तो राज्य सरकार से मांग करेंगे कि राज्य सरकार बोर्ड और निगम में आंदोलनकारियों को ही शामिल करे, ये हमारी मांग है। जगत मातो, हम शिबु सोरेन, विनोद बिहारी मातो, कॉमरेड ए के राय के साथ राजनीति किए हैं, जेल यात्रा भी किए हैं, हमको भी अभी पेंशन दारी, जिस तरह साथी ने बताया, जिस तरह विधवा पेंशन तो मिल रहा है 1,000, हम लोग का भी 3,000 मिल रहा है, बहुत दुख लग रहा है। देखिए एक चीज़ है, हम लोग झारखंड आंदोलन जब किए उस समय कोई जात पात ऊपर नीचे ऊंच नीच कुछ नहीं था, हम लोग का एक ही भूख था, अलग राज, हम लोग का अलग राज। लड़ाई लड़े हम लोग, विश्वास नहीं कीजिएगा, आंदोलन में कम से कम 10,000 शहीद हुए, 10,000 शहीद हुए हैं। कितने माँ बहन का शाखा चिड़ू टूट गया, फूट गया, माथा का सल्लू उजड़ गया विधवा लोगों को, अभी लोग कितना घर से बेघर हो गए। झारखंड आंदोलनकारी कम से कम 50,000 से 60,000 आवेदन पड़ा है, अभी तक मुश्किल से 4,000 से 5,000 पूरे झारखंड में पेंशन मिल रहा है, 4,000 से 5,000 लोगों को। और ये झारखंड आंदोलन का वास्तविक दादा ने बोला, ये जो आयोग का जो एक टीम बना है उन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ है तो टुंडी में हुआ, टुंडी में जानते हो आप लोग, अस्तर हो जाए, टुंडी में सिर्फ 4 गो आदिवासी को पेंशन मिल रहा है, 4 आदिवासी को मिल रहा है, बहुत दुख लग रहा है। लगता है कि सरकार भेदभाव कर रही है, बहुत भेदभाव है, महाभाव ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और हेमंत सोरेन का भी इनको उतना झारखंड आंदोलन कभी कभी जेल गया है, झारखंड आज हेमंत सोरेन बोल रहा है, हम शिबु सोरेन को मानेंगे, आज हेमंत सोरेन एक दिन जेल गया है, वो आंदोलनकारी होगा, आज राज चला रहा है, आज आंदोलनकारी के लिए क्या किया, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आज भीख मांग रहा है। अरे आंदोलनकारी जितना दादा ने बोला, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग
अरे सम्मान ना, हम लोग आज अलग राज्य में साल हम भीख मांग रहे हैं, अशुभ आ रहे हैं, अशुभ आ रहे हैं। हम लोगों का आंदोलनकारी का वास्तविक एक मजदूरी का जो रेट होता है कम से कम 20 से 25 हज़ार एक आंदोलनकारी को सम्मान मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए और उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। आज दूसरे के बहकाव में चल रहा है। आज हेमंत सोरेन झारखंड मानसिकता के विचार से नहीं चल रहा है, दूसरे के भरोसा में चल रहा है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे पुरुषद बाबू को, पुष्कर बाबू को बोलेंगे इस बार विधानसभा का सर जो चलेगा। हम लोग तो जानते हैं आंदोलनकारी लोग आधा आदमी अनफिट है, बीमारी है, और हम लोग का यहाँ का आदमी झारखंडी लोग, झारखंडी लोग अपना मान सम्मान के लिए हम लोग तो देखिए बीमारी से मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। एक बार हम लोग इतिहास बनाए जिस तरह किसान आंदोलन, आज ये हजारों आदमी किसान मर गया, मोदी को झुकना पड़ा। इस बार इस तरह विधानसभा सच चलेगा, सब आंदोलनकारी जुटिए और एक बार आह्वान कीजिए, हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। इस बार हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है। देखिए झारखंड आंदोलनकारी अलग राज्य निर्माण के समय से लड़ते आ रहे हैं और आज भी अलग राज्य बनने के बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पहचान मान सम्मान पहचान पेंशन नियोजन के लिए लड़ रहे हैं। इस दिशा में सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत पहल हुई है कि जैसे कि हम लोग पेंशन राशि जो सम्मान राशि है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, हमारे नियोजन के सवाल पे हमारे बाल बच्चों को 5% क्षैतिज आरक्षण देने की बातें हुई है, बस सेवा देने की बातें हुई है, तो इस तरह से कई पहल हुई है। और अभी मारंगोंग के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई है, आपका निर्मल महतो के नाम से आपका एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ है, हम लोग के अमर पुरोधा विनोद बिहारी महतो के नाम से कोल्हान विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। इस तरह से सम्मान तो इस सरकार में हम लोग को कुछ मिल रहा है और उम्मीद भी इसी सरकार से हम लोग कर रहे हैं कि सरकार के रहते रहते हम लोगों को मान सम्मान पहचान पेंशन नियोजन का जो सवाल है, बड़ा सवाल है, वो मिलेगा, ये उम्मीदें हैं। और हम लोग 10 अक्टूबर को एक विशाल महासभा करेंगे झारखंड आंदोलनकारियों को, और उस महासभा में इस देश से राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री रेखा से हम लोगों की बात हुई है, रेखा इस सभा में आएगी, और उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से बात हुई है, उनको भी रहेंगे, उसके बाद बोडोलैंड और असम के साथी भी हम लोग के अलग राज्य के साथी लोग आएंगे, जो देश के अंदर में अलग अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े हैं वो लोग रहेंगे, फिर बंगाल से भी आएंगे और उड़ीसा से भी हमारे साथी आएंगे। एक ज़बरदस्त तैयारी है और एक नई उलगुलान की तैयारी होगी जो झारखंड आंदोलनकारियों का झारखंडियों के हित की बात करेगा, इस राज्य में वही राज्य करेगा, ये उलगुलान किया जाए। 3285 के नाम पर लड़ाने की जो चाल चल रही है, कौन से लोग हैं जो इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं और आपके अनुसार झारखंड की पहचान क्या होनी चाहिए? मेरे अनुसार झारखंड की पहचान भाषा और संस्कृति होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड अलग राज्य भाषा और संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। भाषा और संस्कृति के आधार पर ही इस देश के अंदर में 28 राज्य अन्य राज्य भी बने हैं, भाषा संस्कृति के आधार पर ही बने। आप देख लीजिए, पंजाब है तो पंजाबी बोली जाती है, बंगाल है तो बंगाली बोली जाती है, गुजरात है तो गुजराती बोली जाती है, राजस्थान है तो राजस्थानी बोली जाती है, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, उसी से उसकी पहचान है। तो हमारा झारखंड भी झारखंडी की पहचान भी झारखंडी की माय माटी के अनुसार भाषा और संस्कृति के आधार पर ही होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है लड़ाने की बातें, तो लड़ाने का यहाँ ब्यूरोक्रेट्स झारखंड में ईमानदार नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स जिस दिन ईमानदार हो जाएगा तो उस दिन झारखंड का कायाकल्प होगा और गांव-गांव में डेवलपमेंट होगा। वो चाहते हैं राजनेता को आपकी ईमानदारी का जो अपेक्षा करते हैं वो कोशिश करते हैं। देखिए साथी, नहीं डबल स्टैंड की बात नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो तनख्वाह लेते हैं हमसे, हमारे तनख्वाह उठाते हैं वो, उनका दायित्व बहुत बड़ी है। जो ब्यूरोक्रेट्स जब घसकता है, पिलर घसकता है, तो विधायिका जब घसकता है तो ब्यूरोक्रेट्स का दायित्व तो होता है कि वो करते हैं। जिस प्रकार से आज छवि रंजन ने गड़बड़ी की जेल गए, पूजा संगल ने गड़बड़ी की जेल गए, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है, इस राज्य की व्यवस्था को संभालने का दायित्व तो होता है। साथ ही विधायिका का भी अपनी दायित्व तो होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का सबसे जवाब महतो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के। हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े, हाथ में तलवार बलुआ हसुआ, कितने हमारी माताएं बहनें
शहीद हो गए, उनके साथ कितना प्रताड़ना किया गया, फिर भी उन लोग से हम लोग नहीं घबराए। और हम लोग का बिहार सरकार के साथ में जितने भी हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था वो कम ही है। अभी बताने हम बयान नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे गला भर आएगी। मैं कहती हूँ कि किस लिए हम लोग लड़ाई लड़े। आज सुखी संपन्न हमारे झारखंड होगा, हमारे बाल बच्चे सुखी संपन्न होंगे, लेकिन अभी वो नसीब नहीं आ रहा है। आज जो हमारे हेमंत सरकार मुखिया हैं, जो बैठे हुए हैं मुखिया बनकर, वो तो लड़ाई नहीं लड़े थे, वो शिबू सोरेन का विरासत में ले करके उनको बैठे हैं। और हम लोग यही सोचे कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन का विरासत में है, उनका पुत्र है, तो हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को जरूर सोचेंगे समझेंगे, हम लोग को मान सम्मान देंगे, हमारे बाल बच्चे को सुखी संपन्न होगा, यही सोच के हम लोग झारखंड अलग राज के लिए लड़ाई। दिन को दिन ना कहे, रात को रात ना कहे, हम लोग कितने महिलाओं लोग हम लोग कितने प्रताड़ित किए गए हैं, फिर भी हम लोग उसको सहन करते हुए पार किए। शिबू सोरेन को उनका बेटा, मैं कहूँगी उनका बेटा, उनका पुत्र उनको सीधे कहते हैं कि आपका तबीयत खराब है, आप तबीयत पर ध्यान दीजिए, राज पर नहीं। क्या करेंगे वो? मैं कहती हूँ कि जिसने जिस पुत्र को जन्म दिया उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देने नहीं सक रहे हैं। हम लोग को झारखंड लड़े हैं, कितने हमारे राज के महिला और पुरुष लोग कितना शहीद हुए हैं, बलिदान दे करके हम लोग इस राज को लिए हैं, फिर भी हम लोग को कोई नहीं कहा जा रहा है, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बार अब हेमंत सरकार का राज्य नहीं रहेगा। हम लोग लड़ाई लड़ के लिए हैं तो हम लोग अपना हक और अधिकार हम लोग आंदोलनकारी लेकर रहेंगे। और 10 तारीख का जो है, 10 तारीख को, अक्टूबर 10 तारीख को हम लोग महाजुटान महासम्मेलन लाखों लाखों की संख्या में हम लोग आने का कष्ट करेंगे।